दर्शकों पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रुचि मुतेजा। दर्शकों पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रुचि मुतेजा, जिन्होंने क्रिएशंस की हैं स्किन में, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने लोगों को सुंदर बनाया है, और स्पर्श क्लिनिक के नाम से ये सेवा यहाँ दे रहे हैं। हर तरह की नई जो इक्विपमेंट्स है इन्होंने यहाँ लॉन्च किए हुए हैं। रुचि जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द ऑनर। रुचि, क्या कहना चाहेंगे कि आज का स्किन की जैसे हम देख रहे हैं कम्प्लीटली चेंज हो रही है, स्किन जो है कॉस्मेटिक्स में बदल रही है ज़्यादा, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो पिछले लंबे समय से सेवा कर रहा है और जिसमें आपने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्किन कॉस्मेटिक में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है ना। कोई किसी को नहीं पसंद कि वो एकदम से बूढ़े हो जाए, है ना। सो एजिंग ग्रेसफुली इज़ द एम ऑफ द यू नो ट्रीटमेंट, वॉट एवर कोई भी चूज़ करते हो आप, ठीक है, कि आप एज तो हो बट ग्रेसफुली एज करो, ठीक है। दूसरा, स्किन की हेल्थ पे काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ओनली द लुक्स, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर अ डॉक्टर कम्स इनटू द पिक्चर, कि अगर आपको स्किन में कोई आके कहता है मेरी स्किन डल लग रही है, मुझे डार्क सर्कल है, तो ओनली दिस थिंग लीड्स टू अ मेजर डायग्नोसिस ऑफ, किसी को एनीमिया हो सकता है, किसी को B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी को फेरेटिन लो हो सकता है। तो पेशेंट की तरफ से सिर्फ डलनेस ऑफ स्किन है, हमारी तरफ से मेजर डायग्नोसिस है कि ये कहीं अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है, बिकॉज स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर सिस्टम। आपका सिस्टम, आपकी बॉडी अगर हेल्दी है तो स्किन ग्लो करती है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास आते हो अपने स्किन के इशू को लेके, सो यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द स्किन हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि खाली प्रोडक्ट्स आप लेके लगाते रहोगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमारे पास लोग पहले से ही बैग भर के प्रोडक्ट लेके आते हैं कि मैं ये सीरम लगा रही हूँ, ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सो ओनली एप्लीकेशन विल नॉट गिव यू रिजल्ट, सो समहाउ यू नीड टू रीड योर स्किन कि क्या प्रॉब्लम है एंड व्हाई दिस इशू इज़ हैपनिंग। सो जब भी आपने करना है तो ऑलवेज, एटलीस्ट इन दिस ईरा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन से थोड़ा बचें। आपको कोई इशू लगता है, गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन, जिसके पास भी जा रहे हो डोंट फॉरगेट टू लुक एट द डिग्री ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि आजकल स्किन स्पेशलिस्ट करके बहुत सारे लोग हैं एंड दे डोंट हैव डिग्री, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर स्किन का कोई इशू है तो आपको, अगर हमारे को पेट दर्द होता है तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, सर दर्द होता है तो हम न्यूरो वाले को ढूंढते हैं। तो जब स्किन में कोई इशू है तो आपको MBBS MD डर्मेटोलॉजी डिग्री देखनी है कि बंदे के पास है तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, नहीं है तो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे अपने मेहनत की जो कमाई है ना, खर्च मत करो। सो स्पेंड वाइसली ऑन योर स्किन। जैसे आपने अभी बात कही है कि हम स्किन को इंटरवीन करते हैं उस पेशेंट्स को, अगर वो PCOD वाला पेशेंट है तो हम ये नहीं कि हेयर रिमूवल ही, उसके साथ साथ उसको मेडिसिन उस चीज़ के भी, कि हम लोग इंटरवीन करके उसको हर चीज़ का जो है ट्रीटमेंट देते हैं। यही वही हम बात कर रहे हैं कि मतलब पेशेंट के लिए हिर्सुटिज्म या मेरे को फेशियल हेयर है ये एक माइनर इशू हो सकता है, हमारे लिए मेजर इशू है कि कौन सा हॉर्मोन्स है जो ट्रबल कर रहे हैं और पेशेंट को इशू आ रहा है। तो अगर पेशेंट हेयर की प्रॉब्लम के लिए भी आ रहा है तो पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि वाई दिस पर्सन इज़ गेटिंग फेशियल हेयर विच इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। सो अगर उसको कोई हॉर्मोनल इशू है, कोई सिस्ट है या PCOD है या कोई लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है, तो पहले वो करना ज़रूरी है। लेज़र कम्स इन द सेकेंड स्टेप। तो अगर आप डायरेक्टली लेज़र शुरू कर देते हैं तो कई बार बहुत सारे सिटिंग के बाद हमें नहीं रिजल्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिफोर यू टेक अप लेज़र वी नीड टू हैव अ गुड डायग्नोसिस इन हैंड कि ये प्रॉब्लम है और उसको मैं इस लेज़र से ऐसे ट्रीट करना चाहती हूँ। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हमने देखा है कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी या जो वो भी चल पड़ी है, लेकिन जो MD स्किन्स हैं वो
ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे थे, जैसे हम टाइटनिंग कहते बात कर लें, फेस इंप्रेशन की बात कर लें, ब्रेस्ट की बात कर लें, तो हर चीज़ का लिए जो जो एमडी स्किन है आप लोग पहले से सेवा वो दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो कॉस्मेटिक गायनेक इज़ अ गुड थिंग टू हैपन, ठीक है ना, बिकॉज एक क्वालिफाइड बंदा है जो उस एरिया के लिए अगर कॉस्मेसिस से भी काम करता है तो दे इज़ नॉट बैड, ठीक है। बट द थिंग इज़ जैसे हम लोग भी ट्रीट कर रहे हैं, हमने भी PRP करना है, टाइटनिंग करना है या CO2 लेज़र करना है या जो भी इश्यूज़ करने हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स विच वैन वी हैव टू वर्क एज अ टीम, ठीक है, कि पेशेंट को अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, पेशेंट को कोई और इशू है, सो आई नीड द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट टू टेल मी कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे इसको ट्रीट करना है एंड यू कंटिन्यू विद योर लेज़र। सो इफ एट ऑल आई एम टेकिंग अप द पेशेंट फॉर वेजाइनल टाइटनिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई नीड टू हैव अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द गायनेक साइड कि वो सारे इशू ट्रीटेड हैं एंड देन वी कैन गो अहेड, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज अ टीम, वी आर नॉट अगेंस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीटिंग अ कॉस्मेटिक इशू, दैट्स देयर अरीना, दे कैन डेफिनेटली डू इट, सो इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। सो क्वालिफाइड बंदों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन डेफिनेटली गो अहेड। जैसा अगर हम बात कर लें मैरिज कपल्स की, आजकल वो लोग प्रेफर कर रहे हैं स्पर्श क्लिनिक को, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी चेन बन चुकी है अब, क्योंकि एक बंदा स्मार्ट बन के जाता है वो कहता है कहाँ से आए, रुचि से आए हम लोग, क्या कहना चाहेंगे कि लंबी चेन बन चुकी है उन लोगों की जिनकी मैरिज एज होती है वो प्रेफर करते हैं स्पर्श में आना? आई एम हाईली ऑब्लाइज टू ऑल माई पेशेंट्स एंड द पीपल हु हैव चोजन स्पर्श, जिन्होंने स्पर्श को चूज़ किया अपने लुक्स के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। सो इफ एट ऑल दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, आई एम हैप्पी, मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि कोई पेशेंट जाके कह रहा है कि डॉक्टर रुचि से ट्रीट किया है अच्छा हो गया, सो इट्स अ गुड अवेयरनेस, ठीक है, कि आपकी मैरिज है एंड यू आर प्लानिंग यू नो वेल बिफोर योर डी डे, कि आप 4-6 महीने पहले प्लान करो लेज़र हेयर रिडक्शन करना है, बिकॉज एक दिन का टाइम नहीं है, इट टेक्स फ्यू मंथ्स टू रीच टू अ सर्टन लेवल, फेस पे एक्ने हैं या एक्ने स्कार्स हैं या आपकी स्किन में डलनेस है या अनइवन टोन है, तो 1-2 दिन में नहीं ट्रीट होता, यू नीड अ गुड प्लानिंग कि 3-4 महीने हैं हाथ में तो उसको प्रॉपरली प्लान करके एंड देन यू कैन रीच टू ए यू नो गुड लेवल ऑफ योर स्किन एंड योर कॉन्फिडेंस ऑन योर डी डे। जैसे अगर हम हाइड्रोफेशियल की बात कर लें, नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो स्पर्श में सबसे पहले जो है जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसको फॉलो करें? देखो स्पर्श में जो स्पर्श का USP है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी मशीन्स हैं दे आर ऑल USFDA अप्रूव्ड, कोई भी चाइनीज़ मशीन या बेसिक मशीन नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज फॉर अस पेशेंट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 लाख की लेज़र मशीन लेके और पेशेंट को 5,000 में सेशन कर लूँ, मेरे लिए ज़रूरी है कि चाहे वो 50 लाख की आ रही है मशीन, द मशीन शुड हैव अप्रूवल फ्रॉम USFDA, ठीक है, ताकि मुझे पता है कि मेरे क्लिनिक में आने से पहले इट हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एंड इट इज़ सेफ टू बी यूज ऑन माई पेशेंट्स, ठीक है। सो ये हमारे क्लिनिक का USP है कि पेशेंट की स्किन के साथ या पेशेंट की हेल्थ के साथ वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, चाहे उसके लिए कितनी मर्जी महंगी या कितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़े। For laser hair reduction, we have Primelase HR, which is USFDA approved. For your tone improvement, we are using Tribeam, again USFDA approved machine to improve your skin color, your skin tone and your skin health. For your acne scars, we are using a machine called Phrexis Duo, which has fractional CO2 as well as microneedling RF. Machine USFDA approved hai, toh machine mein जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कितने दिन का डाउन टाइम है, कितना रेडनेस आएगा, कितने दिन पेशेंट को अंदर रहना पड़ेगा, ऑल दैट इज़ वेल प्रेडिक्टेड, सो वी कैन प्रिपेयर आर पेशेंट वेल इन हैंड कि ये होने वाला है और इसके बाद इतनी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि आप मेरे पास नहीं भी आ रहे हो, बिकॉज देर सो मेनी पीपल जो हमारे पास आते हैं एंड देन दे शिफ्ट टू कैनेडा, US और पंजाब में जैसे कि ट्रेंड है, सो आई यूजली मेक इट अ पॉइंट दैट आई राइट डाउन द नेम ऑफ द मशीन ऑल्सो कि ये आप पे मैंने यूज़ किया है, ये पर्टिकुलर सेटिंग पे यूज़ किया, आप कैनेडा, US, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इफ यू शिफ्ट और वहाँ आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन को मिलते हैं और आप ये दिखा दें तो एटलीस्ट दे कैन यू नो रीड इट एंड दे कैन प्लान योर ट्रीटमेंट इवन देयर। तो यहाँ से कराने के बाद आपको ये इशू नहीं आता कि क्या करवाया था, मुझे तो बताया ही नहीं है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कराया था, मेरे डॉक्टर ने कर दिया। सो एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड एंड वेल रिटन ऑन द पेशेंट्स प्रेस्क्रिप्शन सो दैट दे डोंट फेस इशू कि कौन सी मशीन यूज़ करी है और कौन सी सेटिंग पे किया है, तो आप US कैनेडा भी जाके इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर NRI जो है जैसे आपने पहले भी बोला है उनकी बहुत बड़ी चेन है क्योंकि स्पर्श क्लिनिक में वो पहले ही टाइम लेकर, अब सर्दी आने वाली होती है तो पहले ही टाइम लेकर आ जाते हैं,
क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी चेन जो है NRIs की आपके साथ अटैच है? देखो, वो लोगों को पहले से प्लान करना पड़ता है बिकॉज दे आर हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. तो उन्होंने अगर आना है या 3 महीने का टाइम है तो दे हैव टू प्लान वेल इन एडवांस ताकि मैं भी अवेलेबल हूँ. ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं और देर आर फ्यू डेज वैन वी आर नॉट अवेलेबल. सो वेल इन एडवांस प्लान करते हैं ताकि उनको अगर लेज़र लेना है या बोटॉक्स करवाना है या फिलर्स कराने हैं तो पूरा एडवांस से प्लान करेंगे. तो 2-3 महीने में दे कैन रीच टू देयर बेस्ट लुक्स, देयर बेस्ट लेवल ऑफ देयर स्कारिंग की सबसे अच्छी तरह से ट्रीट हो जाए. एकदम अनप्लान्ड होता है तो हमारे हाथ में भी बहुत नहीं रहता है. एज आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. अगर एक्ने स्कार ट्रीट करना है तो 3-4 महीने लग जाते हैं उसको नॉर्मल होने में. बोटॉक्स है, फिलर्स है, तो आपके पास अगर टाइम रहता है तो यू आर इन दैट सेफ टाइम पीरियड कि आपने मेरे से करा लिया, उसके बाद आप 2-3 हफ्ते यहीं पे हैं, कोई इशू आता है वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. तो एकदम ऑन स्पॉट, इवन दो पॉसिबल होता है कि हमने जैसे 2-3 दिन बाद पेशेंट ने जाना तो इंजेक्टेबल्स दे देते हैं ताकि दे यू नो गेट गुड इनफ रिजल्ट. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्लान वेल इन एडवांस ताकि आपको भी कोई इशू है तो यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सेफ हैंड्स में हूँ, कोई इशू आता है तो डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, तो आराम से प्रॉपर करा के देन दे कैन मूव आउट. डॉक्टर साहब, ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हम आपको बधाई देते हैं और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि कोरोना का औखा पीरियड था लेकिन उसमें भी, क्योंकि ये हॉस्पिटल पहले से स्टरलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आई और आपने उस औखे समय में भी लोगों का जो ट्रीटमेंट किया. देखिए, कोरोना का टाइम हम सबके लिए बड़ा डरावना था एंड आई विश ऐसा टाइम कभी नहीं आए. ठीक है, सो वी आर ऑल आउट ऑफ इट एंड वी आर यू नो वर्किंग फॉर द बेस्ट ऑफ आर हेल्थ. तो खाली स्किन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करो. स्किन अपने आप ग्लो करने लग जाएगी. यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका डाइट अच्छी होनी चाहिए. यू शुड हैव अ वर्कआउट रूटीन कि आप दिन में 45 मिनट्स अपने लिए निकाल रहे हैं और फिर स्किन केयर करते हैं तो रिजल्ट जो है ना फिनोमिनल होते हैं कि पेशेंट सब कुछ कर रहा है. तो एज अ होलिस्टिक अप्रोच स्किन में ग्लो अच्छा आता है. और ये कभी मत भूलो कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. तो स्किन को रिस्पेक्ट करो. ऐसा नहीं है कि कोई केमिस्ट ने बोल दिया और आपने लगा लिया. नहीं, यू नीड टू हैव अ गुड अप्रोच, अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स योर हेल्थ. तो फिर स्किन ग्लो तो आनी ही आनी. बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए. और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैंने यही कहना है कि अपनी स्किन को सिस्टम समझो, रिस्पेक्ट योर सिस्टम and you know work on holistic approach towards your skin health. And I wish everybody, all the doctors out there, very happy Doctors Day. Thank you so much. It's a proud feeling to be a doctor. So my wishes to all the doctor fraternity. Thank you.